जिस स्तर पर टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां वैज्ञानिकों की रिसर्च इतनी तेजी से चल रही है कि पूरे विश्व में फैल रहे वुहान वायरस यानी कोरोना वायरस का भी वैक्सीन वैज्ञानिकों द्वारा बना लिया गया है, और दुनिया के हर कोने में वैक्सीनेशन बड़ी जोर शोर से चल रहा है, और अब वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये आविष्कार किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें कि 55 साल पहले यानी 3 दिसंबर 1967 में दुनिया का पहला मानव से मानव यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में दिल ट्रांसप्लांट किया गया था, जो कि डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड द्वारा केप टाउन के ग्रुट शुअर हॉस्पिटल में हुआ था, जिसके बावजूद भी ज्यादातर लोगों की हर्ट डोनेशन नहीं मिल पाने की वजह से मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जानवर खोज निकाला है जिसका हर्ट इंसानों में आसानी से लगाया जा सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। अमेरिकी डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपित कर दिया है और विज्ञान जगत के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले 57 वर्षीय एक व्यक्ति की सर्जरी करके जेनेटिक बदलाव के साथ सुअर का दिल लगाया गया है। ऐसी सर्जरी दुनिया में पहली बार हुई है। सुअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड दिल व्यक्ति को लगाया गया। सफल सर्जरी के 3 दिन बाद मरीज की हालत अब ठीक है। डेविड हृदय रोग से ग्रसित थे और मौजूदा विकल्पों में सुअर का दिल ही एकमात्र विकल्प था। डेविड बेनेट के मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि पारंपरिक हृदय प्रत्यारोपण या कृत्रिम हृदय पंप का सहारा नहीं लिया जा सकता है। मैरीलैंड मेडिसिन यूनिवर्सिटी की विज्ञप्ति में सर्जरी से पहले बेनेट के हवाले से लिखा गया है, हालत ऐसी थी कि या मैं मर जाऊं या फिर ये ट्रांसप्लांट किया जाए। मैं जीना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह अंधेरे में एक तीर जैसा है, लेकिन यह मेरी आखिरी पसंद है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्जरी के लिए आपातकालीन मंजूरी दी थी। उस सुअर से 3 ऐसे जीन बाहर निकाले गए थे जिनकी वजह से मानव प्रतीक्षा प्रणाली यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम सुअर के अंगों को स्वीकार नहीं करती है। एक जीन को इसलिए निकाला गया ताकि सुअर के दिल के टिश्यू की ग्रोथ रोकी जा सके। इसके अलावा उसमें 6 जीन डाले गए थे। डॉक्टर अब डेविड की कई हफ्तों तक निगरानी करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि ट्रांसप्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं और जटिलताओं की निगरानी की जाएगी। सर्जन डॉक्टर बार्टले प्री ग्रिफिथ ने एक बयान में कहा, ट्रांसप्लांट के लिए ह्यूमन हार्ट डोनर उपलब्ध नहीं था। हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी उम्मीद है कि दुनिया में यह पहली सर्जरी भविष्य में रोगियों के लिए एक अहम और नया विकल्प देगी। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अभी कम से कम 1,10,000 मरीज अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अंग नहीं मिल पाने से कम 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और अब अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे मरीजों के लिए आशा की बहुत बड़ी किरण दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।